कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। जी हमारा नाम प्रशांत है, हम बंबई से आया हूं। वो क्या है कि एक हफ्ता पहले हमारा दोस्त इस गांव में आया था, वो अब तक शहर वापस नहीं पहुंचा है, जबकि वो एक दो रोज में वापस लौटने वाला था। क्या करने आया था वो इस गांव में? हाँ जी वो क्या कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या करने आया था वो इस गांव में? हाँ वो शायद उसका कोई रिश्तेदार इस गांव में रहता है, उसी को मिलना है। लेकिन आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई खास बात? अब परेशानी की बात तो है ही ना इंस्पेक्टर साहब, दो एक रोज में लौटने वाला आदमी एक हफ्ते तक वापस नहीं लौटा। उसका रिश्तेदार इस गांव में कहां रहता है? जी हमें नहीं पता। क्वाइट सरप्राइजिंग। एनीवे वो फाइल 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 हाँ ये रही वो फाइल। देखिए हफ्ता भर पहले पुरानी हवेली के बाहर हमें एक लाश मिली थी। लाश? जी हाँ, 6 दिनों तक उस लाश को हमने मॉर्ग रूम में रखा। मजबूरन उस लाश को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया, हमें उस लाश का अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये रही वो पोस्टमार्टम की फाइल, देख लीजिए आप। इंस्पेक्टर साहब यही यही है मेरा दोस्त सुनील। ये कैसे मर गया? ये तो अभी तक हम भी नहीं जानते, कातिल का अभी तक कोई क्लू भी नहीं मिला। अब इंस्पेक्टर साहब क्या आपको सिर्फ सिर्फ ये लाश? क्या मतलब? नहीं वो मेरा मतलब ये है कि जब वो शहर से आया था तो उसके पास वो बैग वगैरह थे, तो वो लाश के पास बैग वगैरह नहीं। देखिए आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। Now, do you understand? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा इंस्पेक्टर साहब हम चलता हूँ, नमस्ते। सुनिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप छुपा रहा हूं, नहीं तो कुछ नहीं छुपा रहा हूं, चलता हूं।